हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंड। अभी आपने देखा होगा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC में एक नया रिक्रूटमेंट आया है, जिसमें 44 ऑफिसर्स की वैकेंसी के लिए इन्होंने अभी रिक्रूटमेंट निकाला है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो थोड़ा सा इन्होंने अलग रखा है। काफ़ी लोगों की क्यूरीज आ रही थी, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट के लिए है और जनरल स्ट्रीम के लिए है। तो जनरल स्ट्रीम में जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम हैं और इन्होंने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी इस तरीके से कैटेगराइजेशन कर रखा है। और बल्कि पार्ट ए में इन्होंने मेंशन किया है हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि ये है क्या चीज़। आपको दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने चीज़ें लिख रखी हैं कि हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग, ये कुछ नहीं है। आपने प्रीवियस डेज में पढ़ रखा है, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट हो गया आपका, पैसेज एंड इन्फ्लुएंस हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट आपका हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग और हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी में कंसिडर होती हैं। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर इन्होंने क्या है कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी हैं वो चीज़ों को यहाँ पर लॉजिकल बेस पर अभी ये जज करना चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई ये पार्ट ए में 40 क्वेश्चंस का एक सेट रखेंगे। इसके बाद जो ये है पार्ट बी, इसमें देख लो टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, जिसमें हो सकता है कि जैसे 20 नंबर का इन्होंने सेगमेंट रखा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर दो पजल आ जाएं 10 नंबर की, बाकी 10 नंबर के आपके मिसलेनियस हो जाएं, जैसे कि सेलोगिज्म हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन हो जाएँ, कुछ भी हो सकता है। अब आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि आजकल पेपर काफ़ी डायनामिक हो रहे हैं। अब जैसे पहले क्या होता था कि कंप्यूटर और रीजनिंग एक साथ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो एक साथ इन्होंने कंबाइन करके कर दिया है, ठीक है। और ये जो हायर ऑर्डर ऑफ रीजनिंग एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग, ये इन्होंने एक पेपर अलग है, ये एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि केस स्टडी काइंड ऑफ, ठीक है, कि आपको एक पैसेज दे रखा है, उसके नीचे कुछ सेगमेंट दिया है, आपको उस पैसेज को जज करके अपनी नॉलेज को यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और बाकी सेपरेट इन्होंने टेस्ट ऑफ रीजनिंग ये यहाँ पर दे रखा है। तो अल्टीमेटली हम यही कहेंगे कि आपको पढ़ना सब कुछ है, आपको पजल्स भी पढ़नी है, आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो भी पढ़ने हैं, प्लस आपको जैसे कि पैसेज एंड इन्फ्लुएंस हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, डेटा सफिशेंसी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके पेपर का पार्ट बनेंगी। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जो इन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ओके। और जो पार्ट सी है, इसमें ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में आपका ऐसे प्रेजेज और कंप्रेंसन, ये तीनों चीज़ों का एक आपका 30 मार्क्स का टेस्ट रखेंगे। तो अगर आप टोटल देखोगे तो आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन 123 हो जाते हैं। तो ये सेगमेंट आपका पूरा पेपर का बनता है, ओके। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, इन्होंने कुछ चीज़ें पहले ही बता रखी हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं इस ऑनलाइन टेस्ट में कितने होंगे, 60% जनरल के लिए और OBC और SC/ST के लिए 50% रखे जाएंगे। तो आप ये मान कर चलें कि बहुत हाई कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप जनरल की बात करोगे। बाकी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिक्रूटमेंट के बारे में बता देता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 44 ऑफिसर्स पोजीशन के लिए, जिसमें 11 मार्च से लेकर 29th ऑफ मार्च तक सारे फॉर्म भरे जाएंगे। और इन्होंने कहा है कि जो टेंटिव डेट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, वो 9th of May 2021 होगी। आफ्टरनून की शिफ्ट में आपका एग्जाम लेंगे 9 मई 2021 को, ओके। और 10 दिन पहले आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे। बाकी आप देख सकते हो स्ट्रीम इन्होंने अलग अलग यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, जैसे कि ये यहाँ पर डिफाइन करेगा फिनांस और जो सीए हैं वो यहाँ पर होंगे जनरल, लीगल, इंश्योरेंस। और टोटल जो है 44 वैकेंसीज में जनरल की केवल 15 हैं और बाकी फिनांस की ये 15 हैं, बाकी 4 और 10 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि 60% लिख रखा है ग्रेजुएशन में जो होना चाहिए मिनिमम जनरल के लिए, बाकी OBC और SC/ST के लिए 55% क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, जिसमें काफ़ी कम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि इस तरीके की रिक्रूटमेंट जो है बिल्कुल IBPS के पैटर्न पर होनी चाहिए अगर वास्तव में रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। ये पता नहीं किस लेवल का एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं, वैसे लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और अगर आप पेपर को भरना चाहोगे तो वही जो बैंकिंग में आप पढ़ते आए हो
ऑलमोस्ट आपको वही पढ़ना होगा, पीओ लेवल के पजल्स बनाओ, पीओ लेवल के क्वेश्चंस करो, क्वांट बनाओ, तब आप इस पूरे पेपर की कवरेज को कर पाएंगे। और अगर मॉक टेस्ट की आप बात करोगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिस मॉक के आप 1 ईयर का मॉक टेस्ट ले सकते हो, जिसमें आपको हर एक बैंकिंग एग्जामिनेशन मिलता है। GIC के एग्जैक्ट पैटर्न तो ना मिले, लेकिन यहाँ ये जरूर है कि पजल हो गया, DI हो गया, मिसलेनियस हो गया, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस बिल्कुल अप टू डेट लेवल की आप IBPS PO अलग अलग एग्जाम्स के मॉक टेस्ट देकर आप कर सकते हैं। तो अगर आप बाकी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप इनका एक साल का जो 799 का पैक है आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें आपको अप टू डेट सारे मॉक टेस्ट एक बार में मिल जाएंगे और आपकी जो वैलिडिटी होगी, आप अगर फेब मंथ में या मार्च में, आप अगर मार्च में बाय करते हो तो मार्च 2022 तक आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो इस पेपर में मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं पैटर्न को लेकर निराश थे, तो दैट इज़ वाई ये पैटर्न मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है द कैंडिडेट मस्ट पजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन विद द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट एज ऑन 1st of Feb 2021, मतलब 1 फरवरी 2021 को आपका सारा मार्कशीट डेटा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, और बाकी आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, इसमें कुछ खास है नहीं पढ़ने को, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ये वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलरेडी कि 18 वैकेंसीज जनरल में है, जिसमें से आप अगर एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर 14 है, तो आप ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। 21 से 30 साल वाले लोग हैं वो अप्लाई करेंगे, 1 फरवरी को आप अपनी एज कैलकुलेट कर लेना। अगर आप 2/2/1991 से पहले के हैं तो आप नहीं भर पाएंगे, या फिर 1/2/2000 के बाद के हैं तब भी आप इसको नहीं भर पाएंगे। तो ये आपका पूरा पैरामीटर है, बाकी एज रिलैक्सेशन एज यूजुअल जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में मिलता है वही आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, और आप अगर इसके बेनिफिट्स वगैरह देखना चाहते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर कितना है, तो बेसिक पे 32,795 है, ठीक है, और लगभग जो टोटल आपका बनेगा वो बनेगा 65,000 पर मंथ। कुछ और भी बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, जिसमें कि NPS स्कीम है, न्यूज़पेपर इंटरनेट अलाउंसेस, लीव ट्रेवल सब्सिडी, मेडिकल बेनिफिट्स, हाउस फर्निशिंग अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ओके, द प्रेजेंट लीज एकोमोडेशन लिमिट इन मुंबई दैट इज 30,000 पर मंथ, 30,000 रुपये का लीज मिलता है इसमें अभी, जो कि राइट नाउ मिल रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके बता दिए हैं। तो बाकी आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, आप इसके बारे में केस स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई और सवाल है जो आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम आगे फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।